Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने चिराग पासवान की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, क्योंकि यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने का कोई ज़रूरत नहीं है। गौरतलब है कि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में इस समय अंदरूनी खींचतान चरम पर है। गौरतलब है कि LJP के लोकसभा में 6 सांसद हैं। पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे के विरोधी लोजपा के सांसदों के समर्थन से चिराग को हटाकर स्वयं लोकसभा में पार्टी के नेता के पद पर आसीन हो गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति पारस को लोजपा का नेता सदन माना है। चिराग पासवान की तरफ से पेश वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द मामले की सुनवाई की मांग की थी। चिराग ने कहा था कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमारी पारस को पहले से ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। उन्होंने 7 जुलाई को बताया था कि लोक जनशक्ति पार्टी ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के प्रारंभिक फैसले, जिसमें पार्टी से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को लोजपा का नया सदन माना था, के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गौरतलब है कि चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को बुधवार को PM मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं फटकार लगा है और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो लोकसभा स्पीकर पर छोड़ दिया गया है। बात करें तो चिराग पासवान बिहार में हैं और वो अपने धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर उनको लेकर है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में झटका लग गया है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.